नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कालका में व्यापार मंडल की एक बैठक मेन बाजार में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से कालका की पूर्व विधायक व भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतिका शर्मा ने भाग लिया। लतिका ने कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे, वहीं दुकानदारों ने उन्हें आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। वहीं कालका के व्यापारी योगेश गोयल ने बताया कि हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड द्वारा जिन व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर है उनके लिए बीमा दिया गया है, जिसका व्यापारियों को ज्यादा पता नहीं है, जिसमें दुकान में अगर किसी कारण से आग लग जाती है तो उसमें सरकार द्वारा 20 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। वह अगर किसी व्यापारी की अपने शहर से बाहर किसी कारण दुर्घटना में मृत्यु होती है तो भी उसको 5 लाख का सरकार द्वारा मदद किए जाने का प्रावधान है। इसके बारे में दुकानदारों को ज्ञान देने की जरूरत है। साथ ही नगर परिषद के बूथों में व्यापार कर रहे लोगों ने एक मांग पत्र भी सौंपा। सभी व्यापारियों ने नगर निकाय की दुकानों व बूथों का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश सरकार व पूर्व विधायिका लतिका शर्मा का आभार जताया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए लतिका ने भी मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लतिका शर्मा ने कहा वह भाजपा के हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन से बात कर उन्हें जल्द ही कालका आमंत्रित करेंगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह सरकार द्वारा दिए गए समय में मालिकाना हक लेने के लिए पूरी कागजाई कार्रवाई पूरी कर आवेदन कर दें। इस दौरान भाजपा मंडला अध्यक्ष भवनजीत सिंह, महामंत्री किशोरी शर्मा, कालका व्यापार मंडल के नव नियुक्त संरक्षक नवल मित्तल, अजय अग्रवाल, चेयरमैन संदीप गर्ग, प्रधान नरेश मंगला, उप प्रधान अनुज जिंदल व कुलभूषण गोयल, महासचिव भारत भूषण मित्तल, आनंद बिष्ट समेत अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में मॉडल बने। और वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि यहाँ जो हम आप लोग काम करते हो लोगों के लिए, उनको हम आगे से आगे जाने का काम करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हमारी सरकार आई, हमने काम किया, और उसके बाद जो यहाँ पर जो भी, क्योंकि जलवायु की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से सबसे अच्छा शहर कालका है। धार्मिक और पर्यटक क्षेत्र हमने इसको घोषित करवाने का काम किया था कि धार्मिक और पर्यटक क्षेत्र कालका रहे। यहाँ पानी की बावड़ियां है जो इतनी प्राचीन समय की है, और इस तरह का बहुत प्राचीन स्थान है हमारा। और मैं कहना चाहूंगी कि देखो, अभी हमने हाल ही में पीछे इसको नगर परिषद करवाने का काम किया कालका में। यह नगर परिषद करवाने का, क्यों? क्योंकि कालका और पिंजौर का विकास नहीं हो पाता।